देख ले, मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ आपकी हरकतें। मत्था टेक लो, नहीं तो चल फिर, चल भाग भाग, चल। बेनू एक तो शूज पहन के आप मंदिर में आ गए हो, बाहर चलो। कौन चोर पड़ गई तेरे को? मैं आ जा बेबी, क्या हो गया? ब्रेड ऑमलेट खानी है? जल्दी आ, जल्दी आ जा बेबी, उठो जल्दी, उठो उठो। मत खा, मैं खा लेती हूँ। ये मेरा ब्रंच है, ब्रेड ऑमलेट एंड सम टी। मैंने ब्रेकफास्ट ही किया, मैं लेट कर रही हूँ तो ब्रंच हो गया। ये कैसे कर रहे हो बनाशा आप? मिटाओ इसे, दोबारा करो, मिटाओ इसको पूरे को, इसको इसको मतलब मिटाना भी नहीं आ रहा। जितनी बार गलत करेगी ना मैंने, उतनी बार मिटा मिटा के दोबारा करूंगी, मैं बता रही हूँ उसी ढंग से मिटा लूँ। चलो स्क्वायर बनाओ, अच्छा से बनाओ। बस रुको, वेट, अब ये वाली लाइन को ड्रॉ करो। यार मुझे नहीं आती। मतलब एक सीधी लाइन ड्रॉ करनी नहीं आती? ये हाँ है बस। हाँ बस ये रह गया, उसके बाद कलर करना है इसमें। चलो करो, करो करो करो, बनाओ। मैं देख रही हूँ आप कैसे करो, चुपचाप करो। चलो चलो, मुझे भी आ रहा है, होमवर्क कर ले चुपचाप से, समझी ना। ये देख ये देख ये देख ये देख, ये सीधी लाइन है। छोड़, फिर से मिटाऊंगी मैं, सारा मिटा देंगे, फिर करेंगे नहीं। ये ले फिर से कर, करूंगी जल्दी जल्दी जल्दी, फिनिश करो, फिर उसके बाद इसमें कलर करना है। चलो चुपचाप होमवर्क फिनिश करो जल्दी से, जल्दी कर यार, लास्ट रह गया है बेनू। तुझे जो करना है कर, तू होमवर्क कर पहले, जल्दी कर। बाद में मालूम है। हाँ बाद में मार लेना, पहले होमवर्क कर लो। मुझसे आ रहा है मुझे, मुझे भी आ रहा है, लाइन ड्रॉ करनी है बस, समझ आ गई ना? सीधी होनी चाहिए ना, फिर मिटा दूंगी मैं, बता रही हूँ। हाँ चल ये भी बना, ये और ये। चलो चलो फिनिश फिनिश करो जल्दी। अभी कलर बाकी है, क्लैपिंग। अब जितने भी
स्क्वायर बनाया ना, पेंटिंग नहीं, ये होमवर्क है आपका, जितने भी स्क्वायर बनाए उनमें कलर करना है आपको। इसमें ना ज्यादा पानी नहीं लगाना आपको, ये ले कलर करो इन स्क्वायर्स में। चलो ये कौन सा कलर है? अब दूसरा कलर कोई भी पिक करो इसमें से, और किसी भी स्क्वायर में करो। चलो कोई और कलर उठाओ ना मेनू, ये कलर। चलो बेनाइशा, अब आपने होमवर्क कर लिया, अब आप कलर्स बताओ सारे, ठीक है? ये बताओ ये कौन सा कलर है? अरे मम्मी खराब हो गया। हाँ बताओ। ऑरेंज है। ये येलो। ये वाला ये आप बताओ मम्मा। आप बताओ ना। आप बताओ, मेरे तो दोनों की लड़ाई हो रही। चलो जल्दी बताओ। ग्रीन। नीचे बैठ जा, गिर जाएगी बहनू। ये वाला बताओ, ये कौन सा है? पढ़ाई मेरी हो रही है आपकी हो रही है? मैं देख ले, फिर मुझे गुस्सा आ जाएगा। तमीज से पढ़ाई कर ले। ये कलर बताओ कौन सा है? ब्लू। ये वाला? ये वाला? पर्पल। अच्छा चलो इन्हें काउंट करके बताओ स्क्वायर्स को सारे। चलो एटलीस्ट ये तो आता है, ठीक है गुड। चलो अब होमवर्क कर लिया ना, हम थोड़ी देर सो जाओ। तो और क्या, और क्या करना है? झापड़ आएगा। असली में सोना है, सोने की एक्टिंग करवाऊं तुझे अभी? चल सो ले चुपचाप, और हम शाम को जाएंगे नेहरू पार्क, शायद पक्का है, 50-50 है, गए तो बता देंगे हम, ठीक है? है ना? 12:30 रात को, आधी रात को, तो अगर हम गए तो हम बता देंगे, ठीक है? और मैं लाइट ऑफ कर देती हूँ। और अब बच चुके हैं 5 शाम के, हमने बनाया एक टोस्ट और इसमें फिलिंग है पनीर टिक्की वाली। देखो ये क्या कर रही है, ये देखो जरा इस गंदी बच्ची को। अभी टोस्ट खाएंगे, खाना आपने? क्यों गरम है? गरम गरम बनाए शो। चलो नीचे उतरो, लाइट ऑन कर दो। बहनो ये कौन सा तरीका है बेबी, इंसानों की तरह चढ़ ले बेड पे। चल जल्दी आ जाए, खाते हैं, आ जाओ। चल मतलब सॉस चाटनी है सबसे पहले, है ना? चल टोस्ट खाते हैं जल्दी से, फिर हम मार्केट चलते हैं। बहनो सुन मेरी बात, अभी चलते हैं मार्केट, आपको मैं कुछ दिला के लाऊंगी, ठीक है? कैसे कैसा बनना है बेबी, मुंह से बोल के बता दो। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की। चलो हम चल रहे हैं, अभी रेड लाइट पे रुके हुए हैं हम। कलर कौन सा अच्छा लग रहा है, पिंक या ग्रीन? यही वाला मम्मा, ये ले लो।
क्योंकि पहनोगे ना फिर कहीं पता चला नहीं पहनी, पहनोगे ना बोलो। हमने विनायशा के लिए शूज नहीं लिए, क्रॉक्स लिए। ट्रैफिक जाम पर हम घर पहुंचने वाले हैं। अभी हुए हैं 6:29। ये मैडम सो गई। हमने एक पैर तो स्लीपर्स लिए इसकी और एक पैर हमने क्रॉक्स लिए। और कह रहे हैं ये इसने खतरनाक सा मास्क लिया, पहन के दिखाना, सबको डराएगी ये पहन पहन के। ओह माय गॉड पहनू बेबी, ये रात को मत पहन लेना, मैं डर जाऊंगी फिर बहुत ज़्यादा। नहीं बेबी, कितना वेट आया? 13.2। बस अभी 13 किलो की हुई है। आज हमने काफी कुछ कर लिया और अब हमारा हो गया है डिनर टाइम 7 बजे। थोड़े देर में हम करते हैं, देखते हैं क्या बनाएंगे। विनायशा बेबी मैं निकल रही अभी वेट, पहले मैं पतली हो जाऊँ उसके बाद मेजर करूंगी। और रात को तो वैसे भी नहीं करना चाहिए, सुबह खाली पेट करना चाहिए, फ्रेश होने के बाद तब एक्चुअल वेट पता चलता है, अदरवाइज तो बड़ा हुआ ही आता है। So guys, I think I should end this vlog here only because बहुत लंबा हो जाएगा and आज ऐसे ही मेरा बहुत टाइम बाद मूड हुआ था vlog करने का। पहले करती थी but अब बीच में बस short videos ही बनाती हूँ, ऐसे ही बस कुछ कुछ चल रहा है लाइफ में तो vlogging नहीं हो पा रही है क्योंकि इसमें भी full time देना पड़ता है editing and all, it takes lot of time। But let's see, अगर आपको अच्छा लगे जो मैंने vlog किया तो मुझे बताना whether I should do it more often or not, based on that देखते हैं बनाती हूँ नहीं बनाती हूँ क्या रहता है। Till then, see you.